देखिए, बड़े झटके के साथ साथ इसे करारा झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें रामनिवास रावत की, 6 बार के विधायक हैं, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कार्यकारी, और कांग्रेस के काफ़ी सीनियर नेता हैं। हालांकि जो उनकी नाराज़गी है उसको लेकर चर्चाएं हैं कि सबसे पहले उनकी नाराज़गी जब शुरू हुई, जब उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि रामनिवास रावत सबसे वरिष्ठ विधायक है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, उसके बाद से वो लगातार नाराज चल रहे थे। इस बीच कई बार उनके विरोधाभास भरे बयान सामने आए, सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी चलीं, हालांकि कांग्रेस उस बात को हमेशा नकारती रही। वहीं फिर जब लोकसभा प्रत्याशी चयन की बात आई, तब भी माना जा रहा है कि जो रामनिवास रावत है उनसे नहीं पूछा गया, तो जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका क्षेत्र है मुरैना, उनसे सलाह मशवरा नहीं की गई, और उसके बाद भी लगातार जो है वो पार्टी से नाराज चलते रहे, और पिछले 2 दिन से लगातार इस बात की चर्चा आने लगी कि अब रामनिवास रावत जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस से नाराज हैं। हमने सुबह भी बताया कि आज सीएम मोहन यादव का बड़ा कार्यक्रम है विजयपुर में, श्योपुर के, और वहाँ पर रामनिवास रावत जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो बात एकदम सही निकली। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता है विवेक त्रिपाठी। विवेक जी, क्या लग रहा है, झटके पे झटके लग रहे हैं, कभी प्रत्याशी नाम वापस ले रहा है, और अब आपके सिटिंग एमएलए जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। देखिए, निश्चित ही संगठन को इसका नुकसान तो हुआ है, क्षेत्र में हमारा नुकसान भी हुआ है, पर इसके कारण क्या, मूल वजह आपको जाननी पड़ेगी। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भाजपा पूरे देश भर में एक षड्यंत्र रच रही है। अजीत पवार जी को महाराष्ट्र में ईओडब्ल्यू का प्रकरण दर्ज होता है कि करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया। जैसे ही भाजपा ज्वाइन करते हैं, ईओडब्ल्यू के प्रति कौन सा घोटाला, कोई घोटाला नहीं हुआ है। कल इंदौर में हमारे प्रत्याशी के ऊपर 4 दिनों पहले 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया, उनकी प्रॉपर्टियों की नप्ती करनी शुरू कर दी गई, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, राजनीतिक अपहरण कहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश बिंदोला जी, जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी को अपहरण करके ले गए, उसके बाद में आज तो देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने पे और संविधान को खत्म करने पे भाजपा तुली हुई है, उसका परिणाम देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये ज्वाइन करा लेंगे, अब इन्होंने इससे पहले जिन लोगों को ज्वाइन कराया, कहीं ना कहीं उनको डस्टबिन की श्रेणी में उनको डाल दिया, गीला कचरा सूखा कचरा से उनकी तुलना की गई। आज भाजपा में जाने के बाद में कांग्रेसियों को नजरअंदाज किया जाता है, और भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दिया था, वो आज कुंठित हो रहा है। कहीं ना कहीं वो संगठन से नाराज है, संगठन से दूर है, तभी तो आप देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री महोदय और इनके शीर्ष नेतृत्व ने जब आह्वान किया कि हर पोलिंग बूथ पे हमें 370 वोटों को बढ़ाना है, हर विधानसभा में 10% वोटों की वृद्धि करनी है, इनका कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहा है। आज मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज 10% से ज्यादा गिरा है, तो कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ता की नाराजगी और जनता की नाराजगी यहाँ पे दिख रही है। जो मूल मुद्दे थे जिन पे आपने इनकी आप कह रहे हैं कि जनता की नाराजगी दिख रही है, इनके कार्यकर्ता की नाराजगी दिख रही है, लेकिन आपका नेता भी तो नाराज है, वो क्यों गया बीजेपी में? देखिए, निश्चित ही दबाव डालने का जो काम भाजपा कर रही है, इजहार एक सवाल मेरी तरफ से भी ले लीजिए, ये जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, चलिए मान लिया जो बड़े उम्मीदवार हैं आप उन पर दबाव बना सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, मान लेते हैं, क्या छोटे उम्मीदवार जो हैं जिनके पास 4 पहिया वाहन भी नहीं है, वे भी सैकड़ों की संख्या में गए हैं बीजेपी में, आखिर ऐसा क्यों है? बिल्कुल, देखिए विवेक जी, आप बोल रहे हैं कि जो नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, माना कि बड़े नेता हैं, इनको डरा धमका लिया, लेकिन कई ऐसे नेता भी आपकी कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए जिनके पास चौपहिया वाहन तक नहीं है, फिर उन्हें किस बात के लिए डराया धमकाया गया? देखिए, भाजपा का एक ही विजन है, एक ही षड्यंत्र है कि देश भर में किसी भी राजनीतिक दल को रहना नहीं चाहिए, भाजपा के सिवा कोई भी राजनीतिक दल स्टैंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, देश के संविधान को बदलने की जो नीयत है, इनके सांसद प्रत्याशी कहते हैं अगर हम 400 पार जाते हैं तो संविधान को खत्म कर देंगे, तो मैं समझता हूँ जनता ये सारी चीजें देख रही है, दबाव डाल के या किसी भी तरीके का प्रलोभन देकर अगर आप किसी अन्य दल के नेता को अपने आप में शामिल कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कथनों को भी झूठा साबित करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं आप देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, अगर सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो उसकी क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरियां, दूसरे दलों को नेताओं को क्यों लेने की आपको आवश्यकता पड़ रही है? आप तो कहते हैं हमारा कैडर बहुत स्ट्रांग है, करोड़ों हमारे कार्यकर्ता है, उसके बाद अगर आपको दूसरे दलों को नेताओं को लेना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था को जाहिर करता है। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं कि जो कांग्रेस प्रवक्ता है उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि हमारा केडर है, हमारी इतनी स्ट्रांग पार्टी है, तो फिर दूसरे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को क्यों ले रहे हैं? कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विवश है और वो कमजोर है, और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, दबाने के लिए वो कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में ले रही है। जी बिल्कुल इजहार, तो तमाम चीजें चल रही हैं, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।